टीडीएम सीजन 3 इस बार 14 जुलाई से 16 जुलाई तक जयपुर में है। डीटीओ और एफएचटीआर के बीच हुआ एमओयू साइन। होटल क्लार्क सामेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का पहला रोड शो हुआ। प्रोग्राम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्यटन गायत्री राठौड़, डायरेक्टर पर्यटन डॉक्टर रश्मि शर्मा, एफएचटीआर के अध्यक्ष अपूर्व कुमार के अलावा एफएचटीआर के प्रेसिडेंट ऑनर भीम सिंह, आईएचएचए के अध्यक्ष रणधीर विक्रम सिंह, एचआरएआर के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला, राठौर के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौर, एफएचटीआर और राठौर के महासचिव मोहन सिंह सहित कई टूर ऑपरेटर्स और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डीओटी और एफएसटीआर के बीच में एमओयू साइन हुआ। आरडीटीएम सीजन 3 इस बार 14 जुलाई से 16 जुलाई तक जयपुर में आयोजित होगा। जिले हैं उनका फर्स्ट एक ऐसे कॉम्पिटिजन जो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जुलाई के महीने में होगा 14-15-16 जुलाई को, उसका फर्स्ट एक तरह से ये रोड शो है। इसमें जो भी हमारे यहाँ पे सेलर्स हैं इस एरिया में, जो भी टूर ऑपरेटर्स हैं, हॉस्पिटलिटी पार्टनर्स हैं, उनको सेंसिटाइज किया है कि जब जुलाई में बहुत सारे बायर्स पूरे कंट्री से यहाँ पर आएंगे तो अपने प्रोडक्ट्स बेस्ट तरीके से डिस्प्ले करें, जिससे कि जब हमारा टूरिस्ट सीजन सितंबर ऑनवर्ड्स अक्टूबर ऑनवर्ड्स शुरू होता है तो अधिक से अधिक संख्या में डोमेस्टिक टूरिस्ट का यहाँ पे आना हो। आपने देखा होगा पिछले साल 2022 में ऑलमोस्ट 102% इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक टूरिस्ट में। तो डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बढ़ने की, और आप जानते हैं कि एक टूरिस्ट आता है तो हमारे काफ़ी लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बनता है। तो जो अपना स्टेट GSDP है उस पर टूरिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन अधिक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग RDTM का आयोजन तीसरा एडिशन अभी जुलाई में करने जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि GITB का भी आयोजन किया गया था, जिसमें इनबाउंड टूरिस्ट जो बाहर से इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए ये वाला आयोजन किया गया था, उसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पहले तो मैं अपना आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ श्री अशोक गहलोत जी का और हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर श्री प्रताप सिंह जी, गायत्री जी का, जिन्होंने टूरिज़्म को इतना बड़ा सपोर्ट दिया। टूरिज़्म आप लोग जानते हैं कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था हमारे पूरे क्षेत्र में, मतलब कि सब जो टूरिज़्म के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, जो एक तो अपने राजस्थान की इकॉनमी का बैकबोन है, एकदम एक तरीके से टूट गई। और जिस तरीके से गवर्नमेंट कोविड के बाद हमारे साथ जुड़ी है और उन्होंने हम लोग पे निबलिंग पॉलिसीज दी है, उससे टूरिज़्म बहुत ही छोटे समय में इट हैज़ कम बैक ऑन ट्रैक। ये अपना इंडस्ट्री स्टेटस जो पिछले साल हमें मिला 28 राज्यों में, हमारे देश के 28 राज्यों में किसी ने नहीं किया। राजस्थान एक पहला स्टेट है जिसने टूरिज़्म को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है। इससे मतलब कि आप समझेंगे नहीं कि कितना प्रोत्साहन टूरिज़्म को मिला है। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो इस व्यवसाय में हैं उनको तो प्रोत्साहन मिला ही है, और राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट आया है राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के बाद, इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद, वो आप लोग सब लोग जानते हैं 381 करीब LOI साइन हुए थे और 14,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है राजस्थान में सिर्फ टूरिज़्म के क्षेत्र में बिकॉज ऑफ इनेबलिंग पॉलिसीज ऑफ राजस्थान। अब हम लोगों ने ये जो MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ, ये एक अलग मतलब कि एक डिजिटल मीडिया में पार्टनरशिप का MOU है, जिसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर राजस्थान का प्रमोशन करेगी डिजिटल क्षेत्र में। आप जानते हैं कि कोविड टाइम में और जो कोविड के बाद 50% से ज़्यादा व्यवसाय का जो बिजनेस है वो डिजिटल मीडिया से ही आ रहा है, और इसके साइनिंग के बाद आप समझेंगे नहीं कि कितना बड़ा प्रचार राजस्थान का के टूरिज़्म का पूरी दुनिया में होगा, अपने देश में नहीं पूरे दुनिया में।